विष्णु नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। हिंदी साहित्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये वीडियो रहेगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। ये प्रश्न आपकी परीक्षा यूपी टेट, सुपर टेट आदि सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस भी परीक्षा में हिंदी व्याकरण और साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की है। बताते चलें आपको, सारे क्वेश्चंस पढ़ाने के बाद कोशिश करेंगे कि आपको हर क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन भी कराया जाए। क्वेश्चन नंबर एक, यहाँ पर पद्मावत महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन होगा यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर सी के साथ। जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है, लोकायतन, उर्वशी, प्रेमप्रवास या फिर कामायनी। प्रश्न संख्या दो, कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम किसे कहा गया है, लक्ष्मण को, श्री राम जी को, भरत जी को या फिर शत्रुघ्न को। क्वेश्चन नंबर तीन, उत्तर होगा यहाँ पर श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। शक्तिमान किसको लगा था, भरत को, राम को, लक्ष्मण को, हनुमान को। प्रश्न संख्या चार, लक्ष्मण जी को लगा था शक्तिमान, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है। प्रश्न संख्या पांच, पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा यहां पर अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। साखी किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर छह, कबीरदास जी की रचना है साखी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो, ये कथन किसका है, तुलसीदास, जायसी, कबीरदास, मीराबाई। उत्तर होगा यहां पर कबीरदास, कबीरदास जी का कथन है ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। जातक कथाएं निम्न में से किसके जीवन पर आधारित हैं, महावीर, आदिनाथ, गोरखनाथ, गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर आठ, उत्तर होगा यहां पर गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित हैं जातक कथाएं। राम भक्ति विषय पर सबसे अच्छी कविता करने वाले कवि कौन है। प्रश्न संख्या नौ, कबीर, तुलसीदास, मैथिली शरण, निराला। इस क्लास में हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर रहे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, ज्यादा कुछ नए क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं है। रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को आप देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर नौ, ऑप्शन होगा यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त। साकेत की रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। साकेत के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त जी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, आनंद मठ के रचयिता कौन है, प्रेमचंद, शंकराचार्य, शरदचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के रचयिता कौन है, प्रश्न संख्या 11, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ये आनंद मठ के रचयिता है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ये रचना किसकी है। प्रश्न संख्या 12, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये रचना है। अगला प्रश्न देखिएगा, उसने कहा था इसके लेखक कौन है, डॉक्टर रघुवीर, हजारी प्रसाद, हरिशंकर परचाई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उत्तर होगा यहां पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था कि लेखक है। वैशाली की नगरवधु नामक ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है, उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। प्रश्न संख्या 14, यशपाल, मोहन राकेश, चतुर्सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा। चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वैशाली की नगरवधु ये एक उपन्यास है जिसके उपन्यासकार हैं चतुर्सेन शास्त्री। पंच परमेश्वर किसकी रचना है, प्रश्न संख्या 15, पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, बी ऑप्शन सही होगा। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज तो आज जो नहीं कही, ये पंक्तियां किसकी हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत। ये पंक्तियां हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की, सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, लक्ष्मण, लवकुश, भरत, राम। सत्रहवें प्रश्न का उत्तर होगा यहां पर लक्ष्मण जी के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उलट बांसी किसने लिखी है, रहीम, कबीर, केशवदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उत्तर होगा यहां पर कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। महाप्राण किस कवि को कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला को महाप्राण कहा जाता है। त्यागपत्र के लेखक हैं नरेंद्र शर्मा, यशपाल, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी। तो जैनेन्द्र त्यागपत्र के लेखक हैं, यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हारे का हरिनाम किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरणगुप्त, दिनकर, सुमित्रानंद पंत। 21वां प्रश्न आपके सामने, उत्तर होगा यहां पर दिनकर जी की रचना है हारे का हरिनाम। तुलसीदास ने अपनी रचना में किसका वर्णन किया है,
22वें प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं, श्री रामचंद्र जी का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। कौन कौन से कांड हैं वो भी हम आपको बताएंगे। यहां पर आप देख लीजिएगा, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। आते हैं अपने प्रश्न पे। लोकनायक किसको कहा जाता है इनमें से? जयप्रकाश नारायण, कबीरदास, अज्ञेय या फिर सूरदास? उत्तर होगा यहां पर जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई। रामचरितमानस के चौथे कांड का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 25, गलत लिखा हुआ यहां पे, किष्किंधा कांड होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 25 के लिए। चौथा कांड, 1, 2, 3, 4। नूतन प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार का नाम क्या है? तो उत्तर होगा यहां पर बालकृष्ण भट्ट। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 27, सूरदास, रहीमदास, तुलसीदास, केशवदास। 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, उत्तर होगा यहां पर तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर होगा यहां पर अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर होगा यहां पर अमृतलाल नागर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई? कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि, प्रेमाश्रय। तो जय पराजय जो है ये प्रेमचंद की पुस्तक नहीं है, जय पराजय जो है ये श्याम नारायण पांडे जी की रचना है, इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा नहीं लिखी गई है? प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए उत्तर करिएगा यहां पर, उत्तर जाएगा यहां पर नीरजा। क्वेश्चन नंबर 30 सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो आपने जाना यहां पर नीरजा। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि नीरजा किसकी कृति है। फिर से सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं मुश्किल से 2 मिनट में। पद्मावत जो है किसका है? ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी। जयशंकर प्रसाद का यहां पर प्रसिद्ध लिखा हुआ है रचना महाकाव्य जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए उत्तर जाएगा कामायनी के साथ। पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है श्री रामचंद्र जी को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। शक्ति बाण किसको लगा था? लक्ष्मण जी को लगा था, 4 का सी सही हो जाता है। रामचरितमानस की भाषा अवधि है, ए सही हो जाएगा यहां पर। साखी किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 6, तो कबीरदास की रचना है साखी। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, ये कथन किसका है? तो ये कथन है कबीरदास जी का। जातक कथाएं गौतम बुद्ध से संबंधित है। राम भक्ति विषय पर सबसे अच्छी कविता करने वाले गोस्वामी तुलसीदास। साकेत के रचनाकार कौन है? तो मैथिलीशरण गुप्त है। आनंद मठ की रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 11, बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। ये पंक्तियां किसकी है? क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर होगा यहां पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। प्रश्न संख्या 13, उसने कहा था कि लेखक कौन है? उत्तर होगा यहां पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, वैशाली की नगर वधु इस उपन्यास के उपन्यास का नाम? चतुरसेन शास्त्री। प्रश्न संख्या 15, पंच परमेश्वर किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा प्रेमचंद जी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यहां पर कुछ पंक्तियां दे रखी है, पूछा जा रहा है कि किसकी पंक्तियां हैं, तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर होगा लक्ष्मण जी के लिए। उलट बांसी किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर होगा यहां पर कबीरदास जी के लिए। महाप्राण किस कवि को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19, सूर्यकांत त्रिपाठी जी को। त्यागपत्र के लेखक का नाम है जैनेन्द्र। क्वेश्चन नंबर 21, हारे का हरिनाम दिनकर जी की रचना है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तुलसीदास ने अपनी रचना में किसका वर्णन किया है? प्रश्न संख्या 22, तो उत्तर होगा श्री रामचंद्र जी का। रामचरितमानस में कांड की संख्या पूछी जा रही है, तो उत्तर होगा 7 कांड हैं। अगला प्रश्न देखिए, लोकनायक किसको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को। रामचरितमानस के चौथे कांड का नाम है किष्किंधा कांड, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। 27वां प्रश्न, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? उत्तर होगा यहां पर तुलसीदास। 28वां प्रश्न है, मानस का हंस लेखक का नाम क्या है? उत्तर होगा अमृतलाल नागर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर होगा जय पराजय। प्रश्न संख्या 30, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित नहीं है कौन सी पुस्तक? उत्तर होगा यहाँ पर नीरजा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ अन्य वीडियोस के लिंक बनकर के आ रहे हैं, आवश्यकता है अगर आपके पास समय है तो देखिए। थैंक यू सो मच।